जैसे कि आप सभी लोग ये जानते हैं कि एयर ट्रैवल दुनिया के सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में से एक है और इंडिया में ही हर साल 327 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा दुनिया में एक से बढ़कर एक जेट एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं, जो अलग अलग देशों की मिलिट्री फैसिलिटी में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन देशों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इंसानों ने आसमान में उड़ने का सफर चंद सदियों पहले ही शुरू किया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंसान के जमीन से आसमान तक के सफर के बारे में। आसमान में उड़ने का सपना इंसान हजारों सालों से देख रहा है, इसलिए चाहे महाभारत के विमान हो या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का बुराक का सफर या फिर अफ्रीका में मशहूर उड़ने वाले इंसानों का मिथ हो, सदियों से ही हर जगह पर इंसानों के उड़ने की कहानियां हर माइथोलॉजी में है। लेकिन साल 1000 BCE में चाइना में इन्वेंट हुई काइट्स वो पहली मैनमेड ऑब्जेक्ट बनी जो आसमान में उड़ भी सकती थी, जिसके बाद साल 400 BCE के आसपास एंशियन ग्रीक मैथमेटिशियन अर्चिताज ने एक्सट्रीम पावर्ड पिजन मॉडल तैयार किया। अर्चिताज ने इस पिजन को बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया था। ये वुडन पिजन स्टीम के प्रेशर से उड़ सकता था। 400 BCE में बना ये वुडन पिजन अपने वक्त के हिसाब से कहीं आगे था और कई बार साइंटिस्ट इस वुडन पिजन को दुनिया का पहला रोबोट भी मानते हैं, जिसके बाद कोडोबा जिसे मॉडर्न डे में स्पेन भी बोला जाता है, वहां के एक मुस्लिम इन्वेंटर अब्बास इब्ने फिरनास ने बर्ड के फेदर का इस्तेमाल करके अपने लिए विंग्स तैयार किए और इतिहास में पहला ह्यूमन फ्लाइट अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। लेकिन भले ही वो अपने इस अटेम्प्ट में फेल हो गए, लेकिन हाँ, उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट को ये इंस्पिरेशन जरूर दी कि आसमान में उड़ना भी मुमकिन है। और जिसके बाद कई और इन्वेंटर्स और मैथमेटिशियंस ने अपने अपने तरीके ट्राई किए आसमान में सैर करने के लिए, जिसमें से ज्यादातर ही नाकाम साबित हुए। लेकिन फिर भी आगे आने वाले सालों में लोगों ने आसमान में उड़ने का सपना छोड़ा नहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की कोशिशें और मजबूत होती गई, जिसके बाद 1500 के टाइम पर फेमस पेंटर और इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची ने ह्यूमन फ्लाइट के लिए एक हेलीकॉप्टर और तो और एक फ्लाइंग मशीन का डिजाइन इन्वेंट किया। और लियोनार्डो दा विंची के ड्रॉ किए इस फ्लाइंग मशीन के डिजाइन में लगे हुए विंग्स का स्पैन ही लगभग 33 फीट का होने वाला था, जिसको सिर्फ एक इंसान से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये फ्लाइंग मशीन का डिजाइन दुनिया की पहली फ्लाइंग मशीन का ब्लूप्रिंट था, जिसके बाद साल 1783 एविएशन की टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी एयर साबित हुआ, जब 4 जून 1783 को फ्रांस के मोंटगोल्फायर ब्रदर्स दुनिया के पहले हॉट एयर बलून का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिसको मोंटगोल्फायर ब्रदर्स सैक क्लोथ को पेपर की थिन लेयर के साथ सिलकर बनाते हैं। ये हॉट एयर बलून को जब दोनों भाई पब्लिक के सामने ट्रायल के लिए उड़ाते हैं, तो ये बलून सक्सेसफुली न सिर्फ उड़ता है बल्कि 2000 मीटर जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जिसके बाद इसी साल 27 अगस्त में जैक्वस चार्ल्स और रॉबर्ट ब्रदर पेरिस में दुनिया का पहला अनमैन्ड हाइड्रोजन फिल्ड बलून इन्वेंट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ 19 अक्टूबर को मोंटगोल्फायर ब्रदर दुनिया की पहली हॉट एयर बलून फ्लाइट को अंजाम देते हैं, जिसमें इंसानों ने भी सफर किया था। और मोंटगोल्फायर ब्रदर का ये हॉट एयर बलून दुनिया की पहली फ्लाइट बनी जो 8 किलोमीटर तक उड़ी थी, वो भी लकड़ी से जलाई गई आग पर, जिसके बाद देखते ही देखते ये हॉट एयर बलून का ट्रेंड पूरे यूरोप में बढ़ता गया और इन हॉट एयर बलून को अमेरिकन सिविल वॉर में मिलिट्री ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके साथ वक्त के साथ साथ ये हॉट एयर बलून एयरशिप की शक्ल में इवॉल्व हो गए। लेकिन फिर भी उस टाइम पर बने ये एयरशिप इतने प्रैक्टिकल नहीं थे कि वो पैसेंजर्स और कमर्शियल लोड को ले जा सकते। इसी वजह से आगे कई और इन्वेंटर्स ने दूसरी टेक्निक्स ढूंढने की कोशिश करी आसमान में उड़ने के लिए। और साल 1804 में सर जॉर्ज काइले ने काइट से इंस्पिरेशन लेकर दुनिया का पहला एयर ग्लाइडर बनाया, जो कि मेन इंस्पिरेशन बना आज के मॉडर्न एयरप्लेन्स। लेकिन फिर भी एयरप्लेन तक का सफर इंसानों के लिए अभी कोसों दूर था। साल 1842 में विलियम सैमुअल ने काइलीज के वर्क से इंस्पिरेशन लेकर स्टीम इंजन से बने मोनोप्लेन का डिजाइन बनाया था। ये पूरे इतिहास का एक लौता पहला विंग्ड एयरक्राफ्ट का डिजाइन था, जो प्रोपेलर की मदद से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। जिसके बाद एयर 1856 में फ्रेंच इन्वेंटर जीन मेरे लेब्रिस ने बर्ड से इंस्पिरेशन लेकर एक फ्लाइंग ग्लाइडर बनाया, जो पहली फ्लाइंग मशीन थी जो 100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ पाई थी। जिसके बाद वक्त के साथ कई और दूसरे इन्वेंटर ने अलग अलग कोशिशें करी आसमान में अपना परचम बुलंद करने के लिए।
जिसके बाद फाइनली जाकर एयर 1890 से 1902 के बीच ऑरविल राइट्स और विल्बर राइट नाम के दो भाइयों ने एविएशन पर रिसर्च करना शुरू किया, जिसके लिए राइट ब्रदर ने पहले तो 5 फुट लंबी एक बायप्लेन काइट बनाकर उड़ाई और उसके बाद दोनों भाइयों ने इस बायप्लेन काइट के मॉडल से एक बड़ा ग्लाइडर बनाकर इसको टेस्ट किया, जिसमें भी दोनों भाई सफल हो गए। इसके बाद जाकर साल 1901 में राइट ब्रदर्स ने अपने ग्लाइडर के डिजाइन में कुछ चेंजेस किए ताकि उनका ग्लाइडर और एफिशिएंटली उड़ सके, लेकिन चेंजेस करने के बावजूद भी राइट ब्रदर का ये ग्लाइडर उतना एफिशिएंटली नहीं उड़ सका, जिसके बाद इस पोअर लिफ्ट के बाद राइट ब्रदर्स ने ये सवाल उठाया कि सालों से हर इन्वेंटर इस लिफ्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा है कोई भी ग्लाइडर का डिजाइन बनाने के लिए, और वहीं राइट ब्रदर्स ने ये देखा कि सालों से ही लोग इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एयर प्रेशर की वैल्यू 0.0054 मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो काइट्स और पहले ग्लाइडर का डेटा कलेक्ट किया उससे ये कोफिशिएंट ऑफ एयर प्रेशर 0.0033 के आसपास था, इसलिए लिफ्ट इक्वेशन में थोड़ी चेंजेस के बाद राइट ब्रदर्स ने साल 1902 में फिर से एक नए डिजाइन का ग्लाइडर बनाया जो कि टेस्ट करने पर काफी एफिशिएंटली उड़ पाया। अब राइट ब्रदर्स के 1902 वाले ग्लाइडर का डिजाइन पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका था, इसलिए अब उन्हें जरूरत थी इस ग्लाइडर को पावर देने की, जिसके लिए राइट ब्रदर्स कई इंजन मैन्युफैक्चर के पास पहुंचे, लेकिन फिर भी कोई मैन्युफैक्चर भी इतना लाइटवेट इंजन नहीं बना पाया, जिसके बाद राइट ब्रदर्स ने चार्लिक टेलर नाम के एक शॉप मैकेनिक से मदद ली और चार्ली ने दोनों भाइयों की रिक्वायरमेंट समझने के बाद सिर्फ 6 वीक के अंदर ही एक इंजन तैयार कर दिया, जिसको चार्ली ने एल्युमिनियम को कास्ट करके बनाया ताकि वो आयरन के बने इंजन से हल्का हो, और उस टाइम पर एल्युमिनियम से इंजन बनाना भी काफी बड़ी बात थी। इस इंजन का वजन सिर्फ 82 केजी था जो कि 12 हॉर्स पावर जितनी पावर जनरेट करता था, और फाइनली जाकर 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक नाम की जगह पर इस एयरप्लेन को टेस्ट करते हैं और अपने पहले ही अटेम्प्ट में राइट ब्रदर्स इस प्लेन को उड़ाने में सफल हो जाते हैं और राइट ब्रदर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस राइट फ्लायर प्लेन को 120 फीट जितनी दूरी तक ले जाते हैं। राइट ब्रदर्स के इस सक्सेसफुल लिफ्ट के बाद उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर ने भी राइट ब्रदर्स की इस अद्भुत इन्वेंशन के बारे में प्रिंट किया था, और राइट ब्रदर का ये राइट फ्लायर प्लेन आगे चलकर एक मेन इंस्पिरेशन बना आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स की, जिसके बाद राइट ब्रदर्स ने और बेहतर डिजाइन के साथ राइट फ्लायर 2 बनाया और फिर साल 1905 में एयर फ्लायर 3, जिसके बाद वक्त के साथ साथ प्लेन और भी ज्यादा एडवांस होते गए और एयर 1909 में डी लैग नाम की दुनिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन की स्थापना हुई, और जिसके बाद जाकर एयर 1920 में KLM रॉयल डच नाम की एक डच एयरलाइन की पहली फ्लाइट उड़ती है, और ये अब तक की दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइन है जो आज तक ऑपरेट कर रही है। तो आपको इंसानों का ये फर्श से अर्श तक का सफर कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।